ये बात है साल 2016 की, जब बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने यह डिसाइड किया कि बिहार में शराब की बिक्री और उसकी सेवन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगनी चाहिए। ठीक वैसा ही हुआ। 1 अप्रैल 2016 से बिहार में शराबबंदी लागू हो गई। इससे बिहार राज्य सरकार को करीब 4000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 4000 करोड़ रुपए, ये बहुत बड़ी रकम होती है किसी भी राज्य के विकास के लिए। इसके बावजूद बिहार राज्य सरकार को ऐसे डिसीजन क्यों लेने पड़े और शराबबंदी से बिहार पर कितना पॉजिटिव और कितना निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, तो आइए जानने की कोशिश करते हैं हम आज के इस वीडियो में। शराबबंदी को लेकर राज्य सरकार का ये मानना था कि सोशल इम्पैक्ट के लिहाज से ये सही कदम था, क्योंकि उस समय शराब की खपत बहुत ही तेजी से बढ़ गई थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि बिहार के लोग हर साल करीब 14 से 10 लाख लीटर शराब पी जाते थे, जिसमें 990.36 लाख लीटर देसी शराब था और 420 लाख लीटर विदेशी शराब था। और पूरे बिहार में करीब 6000 वाइन शॉप थी। कुछ रिपोर्ट के अनुसार साल 2005 और 6 में सरकार को सिर्फ शराब से 295 करोड़ रुपए की आमदनी हुई थी, जो साल 2014 में बढ़कर 3400 करोड़ से भी ज्यादा की हो गई थी। साल 2015 और 16 का लक्ष्य था 4000 करोड़ रुपए, क्योंकि देश भर के बियर मार्केट में 10% का इजाफा हुआ था, वही बिहार में ये 30% से भी ज्यादा का रहा। लेकिन इसी साल बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी लागू हो गई। ऐसा नहीं है कि बिहार में पहली बार शराबबंदी लागू हुई थी, सन 1977 के तत्कालीन मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर ने भी रोक लगाई थी, लेकिन 1.5 साल के अंदर ही इस फैसले को वापस ले लिया गया, क्योंकि सरकार को मालूम था कि रेवेन्यू का तीसरा सबसे बड़ा सोर्स अल्कोहल है। और यही कारण है कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और हरियाणा में भी बैन किया गया, लेकिन रेवेन्यू लॉस को देखते हुए इन सारे स्टेट ने अपना फैसला वापस ले लिया। हालांकि बिहार के सीएम नीतीश कुमार का यह कहना था कि बिहार के भविष्य और महिलाओं की चिंता को देखते हुए यह कदम सही था और इस कानून को बहुत ही सख्ती से लागू किया जाएगा और जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई के लिए कोई और विकल्प तलाशे जाएंगे। फिर तो वही बात हो गई कि जब हमें प्यास लगेगी तब कुआं खोदा जाएगा, क्योंकि बिहार सरकार तो ऐसे ही गरीबी का शिकार है। इसके पास ना तो किसी प्रकार की इंडस्ट्रीज है और ना ही किसी प्रकार की व्यवसाय का साधन जिससे रेवेन्यू में बढ़ोतरी हो सके। और जो भी 10-12 चीनी मिल, जूट मिल थे बिहार में, वो भी बंद पड़ी हुई है। अब सवाल ये आता है कि क्या शराबबंदी होने के बाद बिहार में अपराध रुक गए? क्या सड़क दुर्घटनाएं कम हो गई? कि क्या हस्बैंड वाइफ के झगड़े बंद हो गए या लोगों ने शराब पीना छोड़ दिया? इन सब का जवाब मिलेगा नहीं, क्योंकि क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो रिपोर्ट के अनुसार बिहार अपराध के मामले में 7वें स्थान पर है और हत्या के मामले में 2रे स्थान पर है। और वहीं अगर रोड एक्सीडेंट की बात किया जाए तो बिहार सबसे आगे है रोड एक्सीडेंट में। अब सवाल यह आता है कि ड्रिंक एंड ड्राइव का केस तो बनता नहीं होगा, तो फिर बिहार इतना आगे कैसे है रोड एक्सीडेंट में? ओवरऑल देखा जाए तो बिहार में शराबबंदी से भले शराब की बिक्री बंद हो गई हो, लेकिन पीने वाले लोग दूसरे विकल्प ढूंढ लेते हैं, जिसका असर ये हुआ कि गांजा, भांग, चरस और अफीम जैसे नशीले पदार्थों का अवैध सप्लाई काफी तेजी से बढ़ गया है, जिसका निगेटिव असर ये हुआ। पंच में जहरीली शराब पीने से 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 10 लोगों की मौत बेतिया में हुई। कंसम्पशन ऑफ स्पिरिट्स लिकर इन द इंडियन स्टेट ऑफ बिहार। हाई कोर्ट ने भी कहा है कि बिहार में शराबबंदी कानून के कारण सबसे ज्यादा 18 से 35 साल के लोग जेल गए हैं। सोचने वाली बात है कि 18 से कम उम्र के लोग भी इस जाल में फंस रहे हैं। शराब तस्करों ने 18 साल से कम उम्र के बच्चों से शराब की डिलीवरी करवाते हैं और वो ये इसलिए करवाते हैं कि अगर वो कभी पकड़े गए तो उन्हें जल्दी बेल मिल जाए। बिहार में शराबबंदी से जितना फायदा नहीं हुआ उससे 10 गुना नुकसान हुआ। शराबबंदी से बिहार राज्य सरकार की रेवेन्यू में हर साल करीब 4000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। इससे बिहार में ना तो शराब पीने वालों की कमी हुई है और ना ही बेचने वालों की। बिहार में शराबबंदी होने से पड़ोसी राज्यों को काफी ज्यादा फायदा हुआ, क्योंकि जिस साल बिहार राज्य सरकार को 4000 करोड़ का लॉस हुआ उसी साल यूपी के रेवेन्यू में 3000 करोड़ की बढ़ोतरी हुई और कोलकाता की रेवेन्यू में 800 करोड़ की बढ़ोतरी हुई। सरकार जितने पैसे शराबबंदी के लिए खर्च करती है और जितनी शक्ति से इस कानून को इंप्लीमेंट किया है, अगर उतनी शक्ति और उतने पैसे बिहार के एजुकेशन के लिए खर्च करती तो शायद बिहार कुछ और ही होता। दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या शराबबंदी से बिहार राज्य सरकार को फायदा हुआ क्या नुकसान हुआ? आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए और हमारा वीडियो अच्छा लगे जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।